हाय माय नेम इज सोफी और आप सबको इस पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम वापस आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ। आज हम खेलने वाले माइनर लॉर्ड्स, एक नया गेम है, सिटी बिल्डिंग गेम है। और इस टाइप का गेम मैंने पहले सिटी बिल्डिंग गेम में खेलते रहता हूँ, लेकिन ये गेम पहली बार एक बहुत बढ़िया लगा ग्राफिक्स वाली चीज़ें, फीचर्स सब कुछ। तो स्टार्ट करते दो गेम, न्यू गेम कर रहे हैं, करेक्टर हम चेंज नहीं कर रहे, थोड़ा बहुत फ्लैग कस्टमाइज कर लेते, देखते कैसा फ्लैग रखना है देखना है। तो स्टार्ट, डिफिकल्टी हम कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं कर रहे। लेट्स स्टार्ट द मैच, स्टार्ट द गेम, मैच बोल रहा हूँ। तो स्टार्ट करते और इसी के साथ गेम स्टार्ट होते हुआ, तो गेम का ग्राफिक्स बहुत ही अच्छा है। सबसे पहले हम गेम का बेसिक ट्यूटोरियल देते हैं गेम को पॉज करके। देखो ये अपना पूरा मैप है, तो ये पोर्शन अभी हम लोगों का असाइंड है। यहाँ पे बाकी सारे पोर्शन होते हैं जहाँ पे बहुत डिफरेंट डिफरेंट लोग होते रहते, कहीं पे कोई और कैप्चर करते, कहीं पे कैप्चर नहीं होता। अपनी डिफिकल्टी उतना देखा नहीं, कुछ डिफॉल्ट डिफिकल्टी यूज़ कर रहे हैं, कुछ ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं किया है। और ये छोड़ते करो, तो ये अपना जगह है और ये सारे रिसोर्सेस है। देखो यहाँ पे आय डिपोजिट करके रखा है, यहाँ पे क्ले है, रिच डिपोजिट है, यहाँ पे एनिमल्स है, यहाँ पे बेरीज है, यहाँ पे भी रिच डिपोजिट है। ये अपना एरिया भी, यहाँ पे हम कुछ भी कर सकते हैं, चीज़ें ठीक है। तो हम लोगों का स्टार्टिंग पोर्शन कहाँ मिला है बार देखे ज़रा, ये रहा स्टार्टिंग पोर्शन। हम लोगों को स्टार्टिंग में जगह मिला कुछ अपने पे, टोटल पाँच फैमिली से। और इसमें फैमिली बेसिस होता है, ऐसे नहीं पाँच बंदे नहीं, पाँच फैमिली से। हर फैमिली से 15-20 बंदे हो सकते हैं, इधर 5-6 बंदे हो सकते हैं। तो कुछ कुछ स्टार्टिंग में देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ क्या चीज़ हम डाल सकते हैं। तो वाटर सप्लाई अपने पे ठीक ठाक जगह वाटर सप्लाई रखा हुआ है, एंड फार्मिंग जोन भी अपने पे, फार्मिंग जोन इस साइड रखा है। और ये भी सिटी स्काईलाइन जैसा है, तो इस साइड ही फार्मिंग जोन मैक्सिमम चीज़ें हैं। अपना एरिया के बाहर है वैसे वो, कोई ना। तो फार्मिंग जोन इतना कुछ खास नहीं इसकी जगह पे, तो फार्मिंग उतना कर नहीं सकते। ये बहुत ज़्यादा फार्मिंग है, ये बाद में हमको इस जगह को कैप्चर करके फार्मिंग करना पड़ेगा। तो स्टार्टिंग में हम फार्मिंग नहीं कर सकते, फार्मिंग का मटेरियल हमको मिला ही नहीं है, तो फार्मिंग को स्किप करते हैं। तो सबसे पहले अपना एरिया ढूंढ लेते हैं कहाँ पे घर बनाना है। वैसे यहाँ पे रोड बनाना फ्री है, और इस रोड का हम रिओप नहीं कर सकते, ये रोड सरकारी रोड है, तो ये रहेगा। तो हमारे लिए आई थिंक, देखो रिच डिपोजिट रखा है यहाँ पे एनिमल्स है, तो इसके आसपास हम बिल्डिंग करेंगे। इस जगह कर सकते हैं, ये काफ़ी पेड़ पौधे भी है और ठीक ठाक जगह हो जाएगा अपने लिए। तो देखते रहे रास्ता कहाँ से जाता है, ये रास्ता यहाँ से क्या है, ठीक है। ये एक जगह बिल्ड किया, एंड मेन शेल्टर, तो इधर इतना पेड़ नहीं काटेंगे मेन शेल्टर के लिए। मेन शेल्टर इसके आसपास ही बनाने का टेक्निक। सबसे पहले बताया क्या, तो शेल्टर बाद में चाहिए मेरे को, हम लोग को सबसे पहले चाहिए ना लॉक कटर्स, हमको लॉक्स चाहिए। तो ये रहा देखो, ऐसे लॉक्स को स्पेंड करता हूँ एंड इसको हाई कर देते एकदम मैक्स। सबसे पहले इसका काम होगा, इसके लिए दो लॉक्स चाहिए अपने पास। अभी लॉक्स रखा हुआ है, कितना है लॉक्स, कहाँ दिखता है लॉक्स, हेलो वेयर इज लॉक्स, लॉक्स नहीं दिख रहा है। अच्छा छः लंबर है, लॉक्स नहीं लंबर बोलते कोई ना। सबसे पहले इसको काटने का देते। तो ये लोग यहाँ से जो सामान है ना, ये यहाँ से कैरी करके वहाँ तक जाएंगे बुल्ड करने के लिए। गेम स्टार्ट करते, इन लोगों को काम करने देते, तब तक थोड़ा खाने का जुगाड़ किया जाए। बेरीस, बेरीस इस जगह पे, तो एक और रोड जाएगा इस साइड से, एक मिनट, जो कि भाई बहुत खतरनाक जगह पे मिला है हमको एनिमल का, बहुत ज़्यादा एनिमल हो सकते हैं यहाँ पे। ये रोड बन गया, और दूसरा चीज़ एक बैरिस का आ गया, एक एनिमल। तो एनिमल वहाँ पर, एनिमल ले तो हम हंट करने के लिए चाहिए हमको। तो रुको, ये बन गया, एंड इसके साथ साथ ये यहाँ पर प्लेस करते हैं, यानी बैरिस वाला ना यहाँ पे पेस्ट करना पड़ेगा बैरिस को। तो बैरिस कलेक्ट करने के लिए बंदा चाहिए जो बैरिस कलेक्ट करेगा, तो इसको भी हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, पेस्ट बोल रहे यहाँ पे लगा देते घर को। तो इनका भी उतना हाई पायलट नहीं है, हाई पायलट मेरा इस चीज़ का है। सबसे पहले इसको बनते हुए देखते हैं, रुको 3 स्पीड लगाते हैं, लोग को आने दो। और गेम का ग्राफिक्स बहुत प्यारा, देख रहे हो कितना डिटेलिंग दिख रहा है, लगता है कि हम रियल ऐसे का कुछ आर्ट डेयर वाला सीन लग रहा है। तो वहाँ से वो लोग सामान लेके यहाँ पे आएंगे इसको बनाने के लिए। सबसे पहले जरा इस जगह को बना लेते हैं, फिर आगे दिखेंगे। अभी हम लोग, देखो
स्टोरेज चाहिए, स्टोरेज यूनिट चाहिए, एक्सपोस गुड चाहिए और सेल्टर चाहिए, 5 सेल्टर, क्योंकि 5 फैमिलीज अपने पास। तो सबसे पहले लॉक्स खुलते हैं क्योंकि लॉक्स काफ़ी मेन काम का होता है। ओके, ये लोग लेके आए सामान, पहले सामान लेके आएंगे फिर धीरे धीरे बनाएंगे। तो नॉर्मल स्पीड करते हैं, एक बार देखते हैं इसको। ये लोग प्रॉपर एकदम ज़मीन से स्क्रैचेस से बनाएंगे सब कुछ, एकदम देखते रियलिस्टिक चीज़ लगता है ना कि स्क्रैचेस से चीज़ें बना रहे एकदम। देख रहे हो पूरा घर बनते हुए हम देख रहे हैं यहाँ पे। ओ भाई साहब ग्राफिक्स देखो एक बार गेम का, भाई पागल वाला चीज़ है ये चीज़ें, काफ़ी मज़ा आता है देखने में। ऐसे गाइस आप लोग अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है लाइक ज़रूर करना, एंड साथ ही साथ दोस्त का शेयर भी करो, एंड कुछ कमेंट कर दो जो भी अच्छा लग रहा है इस गेम के बारे में। और ऐसे और वीडियो देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये फैमिली से यहाँ पे काम कर रहा है। There we go. वाइस बढ़िया है। ओके स्टोरेज अच्छा, अभी भी कंप्लीट काम बचा नहीं है, हाईएस्ट रखा है। अभी एक और लॉक चाहिए, देखो एक और लॉक लेके आएंगे, एक लॉक का काम हो गया। एक और लॉग ऐसे लेके आएंगे, लॉग मतलब वही होता है ना, सेम समझ गए आप लोग। और इसके ऊपर भी काम होगा यहाँ पे, इसके उसके बाद इस पे काम होगा, एंड फिर इस पे काम होगा, हाई प्रायोरिटी हम देख लेंगे तब तक। आ गया, और सेंटर एकदम पूरा बीच में पेड़ का। अरे मुझे सारे पेड़ नहीं काटना है, मुझे सारे पेड़ नहीं करना है, मैं इस साइड का कुछ पेड़ काटूँगा या फिर इस साइड का कुछ पेड़ काटे, तो सारे पेड़ काट देंगे लोग। हो गया कंप्लीट, पहला कैम्प रेडी हो गया। देखो अब यहाँ पे देखो मेरे पास 5 फैमिली से काम करने लायक, तो मैं अगर इसको एक फैमिली को असाइन करता हूँ तो एक फैमिली यहाँ पे काम करेगा। देख फैमिली, इस फैमिली में 2 बंदे जो काम कर रहे हैं। तो एडवांस लेते हम, लिमिट द वर्क एरिया, ठीक है। और एक मिनट, ये इससे हम एरिया को बड़ा कर सकते, तो हम चाहते हैं अभी के लिए ये लोग इसी एरिया को क्लियर करें जस्ट, ठीक है। तो साइन कर दिया, साइन कर दिया, यहाँ पे इनको काम करना देते। देखो अपने पे 4 हो गए, एक काम कर रहा है, 4 फैमिलीज अवेलेबल है। ओके, एंड इसके बाद ये सर इसको भी बनाना पड़ेगा हम लोगों को, इसको भी हाई एरिया पे रख देते हाईएस्ट पे, तो ये भी बनेगा अपने आप। तो तब तक काम करना देते इन लोगों को। एंड नाउ टाइम फॉर आवर मेन कम्युनिटी, यहाँ पे घर बनेगा। तो घर बनने के लिए ये देखो ये एक जगह है, ये काफ़ी अच्छा जगह है, इस जगह को हम पूरा कैप्चर कर सकते हैं, और नहीं तो हम इस जगह को कैप्चर कर सकते। मैं सोच रहा हूँ इसी जगह को कैप्चर कर लूँ। फिर रोड लेते हैं यहाँ पे, एंड कुछ ज़्यादा बड़े बड़े चीज़ हम नहीं करने वाले, छोटा छोटा पोर्शन में डिवाइड करेंगे। सो तुम रीडू भी कर सकते हो। ओके, ये पता नहीं था मेरे को। तो रोड्स पे थोड़ा उतना कुछ अच्छे नहीं हो रोड्स बनाने के चक्कर में, आई एम नॉट सो गुड। ओके, तो घर बनाने का टाइम चलो आ चुका है। घर कैसे बनते हैं आप लोगों को, ग्रीनरी नहीं चाहिए मेरे को, घर कहाँ से बनते हैं वो देखना है, मैंने देखा नहीं अभी तक। ओके ये क्या, ये रहा सबसे पहले से पता क्या है, अब तुम घर का शेप कुछ भी दे सकते हो, ऐसे कुछ बात नहीं तुमको एक ही शेप का घर बनेगा नहीं। ओके लॉक्स कम पड़ रहे, नॉट इनफ गुड्स। ओके अभी आपके पास सामान कम है, ओके थोड़ा सा सामान कलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे। आपने पर नंबर 5 है ना, नंबर 5 है, थोड़ा 10 का चाहिए हमको, मिनिमम 10 चाहिए। तो इनका काम स्टार्ट करते हैं, इन पर यहाँ पे 2 ऐसा ही कर देते जल्दी काम होगा। ये लोग इस जगह का पेड़ काट रहे थे, ये पेड़ काट रहे हैं यहाँ पे। तो देखो अपने पास अभी 3 अवेलेबल है, 2 काम कर रहे थे, अभी तक घर बना नहीं है। हमको एक ये भी चाहिए ना, एक्सपोज गुड, गुड बाहर बहुत बाहर है तो वो भी मेंटेन करना पड़ेगा, उसके लिए ये जगह काफ़ी अच्छा होगा। स्टोन अभी नहीं चाहिए हमको,
मार्केट प्लेस जरूरत नहीं, वेल जरूरत बताओ। नहीं, कहाँ होता है वो चीज़ मुझे पता नहीं, देखना पड़ेगा आपको। ट्रेडिंग पोस्ट, इसका क्या काम हो गया? गुड्स को बाहर रखा हुआ है, उसको हमको कलेक्ट, ये गैंड्री ये चाहिए। कहाँ बने हमने रोड, दिस इज आवर रोड। तो ये काइंड ऑफ अपने आसपास ही रहता है मैक्सिमम, थोड़ा पास ही रहने का ट्राई करते हैं इसको भी, थोड़ा एकदम मीडियम हाइस नहीं, मीडियम हाई पे रखते हैं। स्टोन भी चाहिए अपने पास, स्टोन कितना है अभी, स्टोन 10 है, तो ये बनेगा नहीं, स्टोन कलेक्ट करना पड़ेगा हमको, इसके लिए 10 चाहिए और अपने पे स्टोन 10 ही है, तो स्टोन कलेक्शन भी चालू चालू करना पड़ेगा। देखते आगे, स्टोन गैदरिंग भी चालू करेंगे, तो एक एक करके चीज़ें आगे बढ़ते। अभी काम कहाँ चल रहा है, ये तो हाइस्ट पे रखा हुआ है, इसमें काम नहीं चल रहा है। इतना दूर क्या कर रहे हैं यहाँ पे? ओके, जा रहा है यहाँ पे, दो फैमिली असाइन है ना, हमने इनका वर्क लिमिटेशन यही पे रखा। इधर 6 जल्दी 10 कर लेते हैं, फिर अपना घर बना लेंगे प्रॉपरली, घर भी बिल्ड हो जाएगा तो काम आसान होगा धीरे धीरे। एंड इस गेम में थोड़ा टाइम कंज्यूम गेम है, थोड़ा तुम्हें देखना पड़ेगा चीज़ें कैसे क्या काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं सब लोग। एंड रोड बनने में ये चीज़ अच्छा है कि सारे काम आसान हो जाता है रोड से। एंड यहाँ पे एक और चीज़, हमारे ऊपर कंटिन्यू अटैक हो सकता है, अब पता नहीं मैंने वो गलती से बंद ना कर दिया होगा। ओके, कुछ बन गया, ये बन गया, देखो ये बन गया। तो यहाँ पे भी हम एक फैमिली को असाइन करेंगे, एक फैमिली असाइन कर दिया अपने पे, अभी हो गया दो फैमिलीज काम करने के लिए। तो लॉक्स कितना है मेरे पे, 8 नंबर हो चुका है लंबर, अभी दो फैमिली काम करने देते हैं। इसके बाद यहाँ पे गैन ये भी बनेगा, आ गया यहाँ पे बनेगा ना, ये काम करेगा यहाँ पे, इसको भी हाईस्ट रखते हैं एकदम मैक्स पे। तो यहाँ पे भी काम चालू होगा, ये देखो ये रहा सब आ गया काम करने लॉक्स लेके। तो चीज़ें ऐसे थोड़ा बहुत काम करते हैं, थोड़ा इसमें हम चीज़ों को एक्सप्लोर ज़्यादा कर रहे हैं नॉर्मल गेम से ज़्यादा। एंड मैं इसका लाइव स्ट्रीम करूँगा, सोच रहा हूँ कल से इसका लाइव स्ट्रीम चालू करूँ, जो ज़्यादा मजा आएगा लाइव स्ट्रीम पे, क्योंकि ये इसमें अगर वीडियो ऐसे वीडियो में एडिट करने जाऊँ ना बहुत टाइम लग जाएगा इसको। दो फैमिलीज बचे अपने पास, असाइंड करना पड़ेगा। और हमको पता है क्या, बारिश चालू हो गया, माल ख़राब हो गया यहाँ पे, ओपन में रखा है ना, तो ये सारे प्रोडक्ट फूड प्रोडक्ट ख़राब हो जाएंगे, इसको स्टोरेज में भेजना पड़ेगा। ओके, एक्सपो स्टॉक रूटिंग्स, हाँ बारिश के वक्त, बारिश चक्कर में चीज़ें ख़राब हो सकती है, इसलिए जल्दी बनना पड़ेगा इस घर को, बारिश में चीज़ें जल्दी ख़राब हो जाता है। अमन आ चुका है, जस्ट मेरे को फैमिली जल्दी के काम कर ले बस। लॉक्स कितना हुआ मेरा, 21 हो चुका प्लैंक, तो एक फैमिली को यहाँ से माइनस करता हूँ मैं। एंड नाउ टाइम बिल्ड आवर हाउस, इधर गए हाउसेस में गए, देखो इसमें एक फीचर है, तुम घर को ऐसे कुछ नहीं छोटा बड़ा कुछ भी कर सकते, कोई सीन नहीं, जितना मर्जी जगा दो इसको, तो ये सही रहेगा, डू इट। तो ये घर बनना भी, घर के लिए हम जगह ठीक कर दिया, रोड लेते हैं, रोड को पकड़ कर दिया इनके साथ, इसको एक को रखते हैं हाई प्रायोरिटी पे। और आई थिंक अब तब तक हम लोगों का ये बन गया होगा, बना क्या नहीं, काम चल रहे हैं इसको, वर्किंग प्रोग्रेस है। खाना अभी भी देखो अपने पे फ्यूल कम हो रहा है, फ्यूल उतना बचा नहीं है, घर का काम चल रहा है कोई सीट नहीं, ये भी माल भी यहाँ पे भी, ये लोग खाना बना चल रहा है।
उनको फ्यूल को भी देखना पड़ेगा ना, फायर आउट 20 ही है जस्ट। अभी जून चल रहा है, दिसंबर के आसपास स्नोफॉल आने वाला है, उससे पहले हम लोगों को वो भी मेंटेन करना पड़ेगा। एक और काम करते हैं, कहाँ गया ये रहा ना, तो यहाँ पे एक और चीज़ कर लेते हैं, हम इस रोड को एक्सपेंड करते हैं एंड इस जगह पे छोटा सा ये बना लेते कैबिन। आ गया, यप, यहाँ से ये जल्दी इसको इस साइड रखते क्या, ज़्यादा एकदम पास पास रखते इसको, फिर काम आसान हो जाएगा इनके लिए। ये लोग काटेंगे यहाँ पे चॉप होगा, इसके बाद आगे देखेंगे, धीरे धीरे काम करते। ओके आई थिंक बन चुका है, नहीं बना अभी तक, अभी तक नहीं बना है। हाउसिंग की काम भी चालू नहीं हुआ पे, अच्छा हाउसिंग का काम थोड़ा बहुत चालू हो रहा धीरे धीरे, क्योंकि अपने पे अभी भी तीन फैमिलीज अवेलेबल हो तो एक साथ तीन वर्क होगा। ओहो हो 5% प्लस हुआ है, बढ़िया है। इसका काम ये वाला हुआ है काम खत्म क्या, नहीं ये भी आधा होकर रखा है, इसको भी हम हाई कर देते, हाईस्ट कर देते। वहाँ पे भी थोड़ा फूड का खाने का सामान भी कम हो रहा है ना, मीट ज़ीरो है, थोड़ा रीमीट चाहिए होता है हम लोगों को। चीज़ें ऐसे थोड़ा बहुत चीज़ें काम करते रहते हैं एक साथ थोड़ा बहुत, और साथ साथ हम देखेंगे कुछ, एक घर पहले बनने देते। ग्राफिक्स में सच बोल रहा हूँ, अभी बोल रहा हूँ इस गेम का ग्राफिक्स सबसे अच्छा लगा मुझे, इतना ब्यूटीफुल ग्राफिक्स बहुत कम गेम का देखा है मैंने, सिटी बिल्डिंग बेस पे भी। और इस गेम का इन स्टार्टिंग में एक ही बंदे ने बनाया, स्टार्टिंग मतलब गेम का स्टार्ट हुआ था एक बंदे ने बनाने का काम किया था। अभी तीन है अपने पे, बेरीज कलेक्शन चालू हो गया क्या, बेरी वाला, ओके बेरी में कलेक्शन चालू हो गया, 50 बेरीज हो चुका है, बेरीज कम 50 बेरी फुल होना। ओके बेरीज को हम डिपॉजिट नहीं कर सकते अभी के लिए, तो क्योंकि अपना ये रेडी नहीं है, ये घर रेडी ऑलमोस्ट होने वाला है, ऑलमोस्ट रेडी होने लगा। रेडी कर दे भाई, चला जा रहा है तुम, ठीक है भाई। इसको रेडी होने के बाद हम सामान को यहाँ पर डिपॉजिट कर देंगे, एक फैमिली को यहाँ पर सेंड कर देंगे। सामान अपने पापा ठीक ठाक ही है, प्लैंक वाला काम चल रहा है, स्टोन भी अभी भी ठीक ही है, स्टोन लेकर पड़ेगा यहाँ पे। ओके हमने अभी हमके लिए पानी का बंदोबस्त भी नहीं किया, हमको पानी भी चाहिए, मैं भूल गया, मैं पानी का बंदोबस्त नहीं किया अभी तक। वाटर 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 एरा वाटर, तो देखो वाटर अपने पे पास ही एकदम सबसे मेन, पता है क्या, वाटर अपना एकदम पास में ही है, तो ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है, वाटर का एकदम सीधा पास ही रखते, सबसे आसान काम ये होगा। और इसको रखते कोई नहीं, ये हाई हाईएस्ट पे है, ये सारे मीडियम मीडियम पे, कोई ना, एक दो तीन चार पांच ही रखे हमने। ट्यूब ऑयल का भी काम थोड़ा बहुत होगा, जल्दी इसको ख़त्म करो फिर आगे काम कर पाएंगे हम। अच्छा एक चाहिए स्टोन कम है, एक स्टोन कम है अपने पे, स्टोन कितना है, एक स्टोन कम है, वो स्टोन लेने गया ये लोग। स्टार्ट भी नहीं हुआ अब तक, एक काम करते ना बेरीज को। ओके हो गया, ये रिबिल्ट हो गया, नहीं ये बिल्ड नहीं हुआ, क्या बिल्ड हुआ, ओके एक घर बिल्ड हो गया हम लोगों का, एक घर बिल्ड हो गया है, और रे बढ़िया चल रहा है। ये क्या चीज़ है, अच्छा ये अभी इस चीज़ को बाद में देखेंगे, सेकेंड हाउस के आसपास देखेंगे, इस चीज़ को हम बाद में एक्सप्लोर करेंगे, पहले घर में घर बनता हुआ देखना चाहता था मैं, लेकिन जल्दी बन गया। ये लोग पूरा घर को स्क्रैच से बनाते हैं बैठे बैठे एकदम मस्त स्टाइल से। चार घर अभी भी और चाहिए, जो देख लेंगे हम बाद में। स्टोन मिला है क्या, स्टोन नहीं मिल रहा है क्या, और टैप दबा के तुम चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकते हो, किसमें क्या बचा हुआ है, कहाँ पे क्या करना होगा।
इतना परसेंट काम कहाँ बचा हुआ है। ये एक फैमिली असाइंड है जो लोग पेड़ काट रहे हैं अभी भी। हंटिंग कैंप रेडी हो चुका है। ओके हंटिंग कैम रेडी हो चुका है। ओ जल्दी रेडी हो गया ये। तो हम एक फैमिली का सीन करते हैं, 10 काफिले ठीक है, एक फैमिली का सीन करते हैं। यहाँ पे एक फैमिली आके काम करना चालू कर देगा और साथ ही साथ ये भी बन चुका है। ये रहा ना, यहाँ पे भी एक फैमिली सीन करते हैं। देखो अपने पे भी एक फैमिली खाली है काम करने के लिए और 4 फैमिली बचा हुआ है जो कि वर्क कर, क्या बोलते हैं, अभी 4 फैमिली लगा, एक ट्रेनिंग पे लगा हुआ है, एक लॉक कैंप पे लगा हुआ है और एक लगा है बैरीज पे। बैरीज वाला हटा देते हैं, बैरीज अपने पे काफ़ी बैरीज हो चुका है। इसको भी हम माइनस करते हैं, काम करने देते हैं इनको, हाउसिंग का काम करने देते हैं इनको। इसको हम हाई प्रायोरिटी कर देते हैं, हाइस्ट। एक घर बनते हुए देखना चाहता हूँ मैं। एक्सपोज सिल्टर पे पहुंचाया जा रहा है। तो वो जो ट्रेंडिंग में रहते हैं उनका काम होगा कि वो सारा सामान जो बाहर गिरा है वो हाउस में शिफ्ट कर दे। क्योंकि मेरे पता है क्या, मेरा मेन प्रॉब्लम में चीजें बहुत दूर है इसलिए मेन प्रॉब्लम आ रहा है। एक्सप्लोसिव बीसी उठ बचा हुआ है, फायर उठ, इनको मूव करने का टाइम आ चुका है। स्टोरेज को शिफ्ट करने का टाइम, स्टोरेज शिफ्ट नहीं कर रहा है काम क्या। एक फैमिली तो कर दिया पीपल, ये सामान यहाँ से लेके जा रहे हैं, सारे फूड यहाँ से ट्रांसफर करेंगे यहाँ पे, सही है, करने देते। एंड इसका भी काम बचा हुआ है, इसको भी हाइस पे डाल देते। 2 फैमिली बचा है, दोनों काम करने दे अपनी जगह। एक घर बनेगा और एक ये शॉपिंग स्टेशन बनाएगा। चीज़ें बहुत स्लो स्लो चल रहा है तो इसलिए देखते क्या होता है। हंटिंग का क्या क्या सीन है, हंटिंग वाला ओके। ये भी हंटिंग भी प्रॉपर काम कर रहे हैं अपनी जगह। 9 मंथ के लिए बचा अपने पास फ्यूल और 50,000 फूड है 9th मंथ के लिए और फ्यूल है 15 महीने के लिए, तो काफ़ी है। एक हम बच सकते, एक एक क्या बोलते हैं, एक स्नो वाला, एक विंटर हम सर्वाइव कर सकते हैं जितना बचा है। कम्फर्टलेस 4% अभी भी होमलेस है। 11 टोटल 11 पीपल है, 5 फैमिलीज पे, बढ़िया है। जल्दी जल्दी घर कंप्लीट करना पड़ेगा मेरे पापे। इसको हाईएस्ट प्रायोरिटी पे रखा है फिर भी यहाँ पे काम कर रहे हैं लोग धीरे धीरे। ओके अब आया ना, अब आया काम पे। ये रहा घर बनता हुआ, दिखा तुमको ये पूरा एकदम घर जमीन के स्क्रैच से बनाते हैं प्रॉपरली। अच्छा तुम साइज कुछ भी रख सकते हो, साइज मैटर नहीं करता किस साइज के घर बना रहे हो, नहीं बना रहे हो। भाई साफ क्या लग रहा है घर, जस्ट गिव मी अ हैमर एंड समथिंग नीड्स टू नॉट मूव। आई थिंक द विंडो शुड गो ओवर देयर। ओहो विंडो बाबा जाना चाहिए, ये लोग आपस से बात भी करते, ज्यादा अच्छा लगता है चीजें। तुम आपस में डिस्कस कर रहे हो कि क्या बोलते हैं, गेम बनाने वाले ने काफ़ी मेहनत किया गेम के पीछे।
not move, I'll put it in its place. क्योंकि दिखता है गेम्स के अंदर. Pass me the hammer, will you? ऐसे तुम याद है कई क्लास टाइम कौन से गेम में ऐसे स्क्रैच से घर बनाते देखे थे कि पॉपर हर चीज तुम धीरे धीरे ऐड कर रहे हो चीजों को. Check that doorway's width so that a cart can fit. और अभी घर का चार एरिया बनाएगा. This is heavier than it looks. Just give me a hammer and something needs to not move. I'll put it in its place. इसी वजह से घर रेडी हो चुका है. This is a veritable masterpiece of carpentry. Solid as a rock and twice as heavy. बढ़िया है. और हर घर के पीछे थोड़ा बहुत जगह होता है जिस पर तुम चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकते हो. चलो ये काम भी बन गया यहाँ पे तो फैमिली ज़रूर है और कंफर्ट लेवल बढ़ता हुआ. मेनली हमको कंफर्ट लेवल मेंटेन करना पड़ेगा. तो और क्या अपने पे चीज़ें अवेलेबल देख लेते हैं. ट्यूबवेल भी अपने काम करना पड़ेगा. ट्यूबवेल का भी काम इसको भी बढ़ा देते हैं, प्रायोरिटी बढ़ा देते हैं. इसका काम इसके बाद करेंगे हाइस्ट. दो क्योंकि बचा हुआ है तो दोनों जगह हाइस्ट लगाएंगे ना, तो दोनों जगह साइमल्टेनियसली काम होगा. एंड और देखते हैं, अभी तीन हाउसिंग चाहिए और इन सामान को हम ट्रांसफ़र कैसे करें चीज़ों को. पांच हाउस बना नहीं ना. इस चीज़ों को ट्रांसफ़र कैसे करें देखिए ज़रा. यहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं ऊपर भी अगर देखते हैं. दो फैमिलीज बचा हुआ है ना. ये कटर बन गया क्या? ओके ये बन चुका है. यहाँ पे हम एक फैमिली का असाइन करेंगे. लॉक कितना है मेरे पास अभी? 36 लंबर है. तो लंबर से माइनस करते हैं और यहाँ पे डाल देते हैं. इनका काम होगा ये बनाना मेरे लिए, प्लैंक्स बनाना जो आगे काम आएगा. तो कुछ प्लैंक्स बनाने देते हैं. एंड मुझे और फैमिलीज चाहिए तो जल्दी जल्दी घर बनाना पड़ेगा, कुछ और फैमिलीज आ जाए. ट्यूबवेल के बाद और कुछ बन रहा है क्या मेरे पे यहाँ पे वो देखने दो. हंटिंग में 16 बचा है, 10 ही कैप्चर करेंगे. सीजन कितना है इनके पास? 35 है. तो रॉल ले लेते हैं. फूड चाहिए, फ्यूल्स. हाँ फ्यूल्स की कमी है, 6 महीना हो चुका है फ्यूल्स. और जो दिखता है सप्लाईज को मुझे ट्रांसफ़र करना पड़ेगा. कैसे करें वो देखना पड़ेगा मुझे. इसको हम अभी के लिए मूव कराते हैं. इसको हम मूव करके ले लेते हैं इस जगह पे तो काम आसान हो जाएगा. कहाँ पे रखते हैं? यहाँ पे रखते हैं. मूवी हो रहा है ना, देखा जाएगा. सितंबर आ चुका है, दिसंबर से फरवरी तक विंटर होगा. विंटर से पहले मुझे काम मेंटेन करना पड़ेगा. तो इसको मेरे को जल्दी घर पे ऊपर काम करना पड़ेगा, जल्दी जल्दी घर के ऊपर. लोग जल्दी घर बना देते एंड इसका काम होने के बाद ना क्या चाहिए पता है? यहाँ पे चाहिए, आ गया. ये एक मिनट रुको, यहाँ पे ट्री सिस्टम है. मुझे ट्री देखने दो, कहाँ है ट्री इसका? रुको रुको रुको, ढूंढने तो ट्री सिस्टम. मुझे चाहिए पता है क्या? ये बाकी चीजें पता, ये ट्री है. अब तुम चीजों को अनलॉक कर सकते हो. तो फायर रूट अनलॉक करना पड़ेगा. फायर रूट से चारकोल बनाएगा. तो अभी फायर रूट हम बना लेते.
प्लैंक्स बनेगा और आई थिंक प्लैंक्स जलता है, प्लैंक्स हम जला सकते हैं। तो प्लैंक्स ये सारी चीज़ें आपस में एकदम बाजू बाजू में होगा तो आपका काम आसान हो जाएगा। इसका भी काम करना पड़ेगा, जल्दी कुछ प्लैंक्स बना ले लोग। कितना है मेरे पास, अभी एक ही बाहर बचा हुआ है काम करने लायक। तीन घर बन चुका है, दो घर बचा हुआ है और एक ट्यूबवेल भी बचा हुआ है। इसको हाइस पे रखा है मैंने क्योंकि पानी ज़रूरत पड़ता है। सितंबर हो चुका है मेरे पे और 3 महीने बचा है, 2 महीने मेरे पास, 2 महीने में काम ख़त्म करना पड़ेगा जल्दी जल्दी, नहीं तो हम लोगों का हालत ख़राब होने वाला है। 5 मंथ का फ्यूल है तो, और गर्म विंटर में बहुत ज़्यादा फ्यूल खर्च करते हैं लोग। 3 महीने का फ्यूल है जस्ट, दो घर क्लियर करना पड़ेगा एंड इस यहाँ पे इसको भी कंप्लीट करना पड़ेगा। फैमिली स्क्वाड मार्केट स्पेल, मार्केट स्पेस हम देखेंगे अभी अभी के लिए रुको, थोड़ा होल्ड करते हैं मार्केट स्पेस को। जल्दी इस दो घर को कंप्लीट करना होगा एंड साथ ही साथ ट्यूबवेल भी है और इसको भी कंप्लीट करना पड़ेगा। हम कहीं से बंदे हटाए तेरे को, हंटिंग स्टेशन से बंद। मीट कितना हुआ मेरे लिए, फायर रूट 25 ही रखा हुआ है और मीट 12 हो चुका है। तो काइंड ऑफ हम मीट से यहाँ से बंदे हटाए थे, इंजीनियर से बंदे हटा दिए, जो हम देखेंगे बाद में चीज़ों को मैनेज करेंगे। एंड इस पर तो बंदा है ही नहीं ऑलरेडी, इससे भी हटाते, दो को हटा दिया, अपने पे 3 हो गया, 3 बंदे आ गए। तो तीनों लोग, 3 फैमिलीज 3 जगह काम करेंगे। वेल बन गया, ये रहा जो पब्लिक वेल्स बन गया, सही है। ये तो घर बनाना है मेरे को, इसको भी हाई स्पीड डाल देता हूँ, इसको भी हाई स्पीड डाल देता हूँ। 3 फैमिली से जल्दी 3 जगह बन जाएगा। ये दोनों काम करना पड़ेगा एंड इसका भी काम चाहिए हाइस्ट पे। तो जल्दी जल्दी 3 काम ख़त्म करना दो उनको, बाकी चीज़ें बाद में देखेंगे। 50 करते हम बंद कर देंगे, 34 है प्लम ये। इसको असाइन कर कनेक्शन करके यहाँ पे डाल देंगे लंग से। अक्टूबर आ चुका है, ओके बन गया, बन गया। एंड एक फैमिली यहाँ पे असाइंड, यहाँ से माइनस, यहाँ पे असाइन। तो लॉक करने का काम चालू हो गया फिर से, साथ ही साथ ये भी चालू हो गया। 2 फैमिलीज मेरे पे अभी भी है और 2 घर का काम बचा है, 2 घर जल्दी करने देते हैं, फिर मार्केट प्लेस एंड अदर स्टॉप पे जाएंगे। फायर रूट 53 हो चुका है जो काफ़ी बढ़िया बात है, 53 फायर रूट मतलब बहुत बढ़िया बात है। मेरे पे 2 अनसेन फैमिली है, ये लोग क्या काम कर रहे हैं स्टोरेज यूनिट पे। रिपल देख लेते हैं कहाँ गया, एक तो पेड़ के बीच मुझे दिखता नहीं है। एंड दे डूइंग देयर जॉब, ओके ये लोग सामान ट्रांसफर करना चालू कर दिया है। एक सप्लाई रखा है यहाँ पे, हाँ सामान ट्रांसफर करना चालू हो चुका है, सही है। इसका काम जोर शोर से चल रहा है, फ्लैग्स चाहिए, यहाँ पर भी काम चलेगा। तो आ चुका है, जस्ट बनाना बचा हुआ है। तो बाकी सारी चीज़ें हम ऑलमोस्ट कवर कर लिया, 2 घर बचाए और स्टोरेज। जल्दी उसको मूव कर लेते, देखो 2 बचाए ना, 2 फैमिली आने से नहीं, यहाँ पे इनको काम करने देते हैं, उसको बाद हम कहीं और आना सीन कर देंगे। और ये जगह परफेक्ट है हम लोगों के लिए, परफेक्ट बन चुका है।
ये कर करें यहाँ पे। आ चुका है ना पे। फायर रूट मेरे पे 13 महीने का फ्यूल हो चुका, फूड भी चाहिए। अक्टूबर आ चुका है, घर बन जाए बस जल्दी जल्दी। टू परसेंट प्लस हुआ है, प्लस टू, दो बंदे भरे फैमिलीज में। वो भी काफी अच्छी बात है। नवंबर तक हम देखेंगे ऐसे ही, जब तक जल्दी जल्दी घर बन जाता है नवंबर तक। और एक फैमिली बचा है, ये भी अभी बन जाएगा। और इसी के साथ अपना तो पांचों घर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। तो एक और काम कर सकते हैं यहाँ पे, एक होता है मार्केट प्लेस, ये रहा मार्केट सेल्टर हाउस है ना। हमको मार्केट प्लेस बिछाना पड़ेगा, एंड हम सोच रहे हैं मार्केट प्लेस कहाँ डालें। ये जगह अच्छा होगा लेकिन उतना भी खास नहीं है। नाइनटी, इतना बड़ा भी रास्ते, पहले रोड लिख लेते, रोड डिसाइड करते क्या रोड हो गया। सबसे अच्छी बात होता है कि ये एकदम परफेक्ट होता है, यहाँ पे टोटल 118 स्टॉल बैठेगा, सही है। स्टॉल यहाँ पे बिठा देते हैं, एंड कुछ और हाउसेस भी हम साथ बिठा देते हैं, अगर ज़रूरत पड़े तो इस जगह को फिल कर देते हैं। हाउसेस होगा तो लोग आएंगे। चार हाउसेस होगा यहाँ पे, और यहाँ पे दो तीन हाउसेस प्लस दो सब हाउसेस, चार हाउसेस ज़्यादा अच्छा रहेगा। यप, सही है। तो इनको अभी उतना काम नहीं, स्टॉल जिसका जिसका स्टॉल चाहिए जिन जिनको बोलो स्टॉल बना लेंगे। दो फैमिलीज अपने पास रखा हुआ है जो धीरे धीरे काम करें, इनके ऊपर कोई सीन नहीं। और इधर फायर उठ के देख लेते एक बार, प्लैंक्स कितना है मेरे पास, 29 लैम्बर्ड है। एंड ये लोग करके रहे एक फैमिली असाइन, मुझे पता नहीं इसका काम क्या है प्रॉपरली। प्लैंक्स बनाता है, और ये भी क्या बनाता है, ये फायर बनाता है, तो ठीक है। आप नथिंग स्टोर इन साइट, प्लैंक्स अभी कुछ ऐसा कुछ सामान नहीं है अपने पास क्या जिससे हम प्लैंक्स बना पाए, ऐसा कुछ बात है क्या। मार्केट प्लेस में कोई दुकान लगा है क्या? ओके, एक भी दुकान अभी तक लगा नहीं है, लग जाएगा दुकान तक लगा नहीं है अभी भी, इसमें कुछ सामान बचा है। तो एक काम करते ना, तब तक हम दो फैमिली अपने से रखा हुआ है, एक और फैमिली को यहाँ पे असाइन कर देते जो काम निपटा लिया पे। सामान लेके आ जाएंगे, दो फैमिलीज का संग कर दिया, वहाँ से सारे सामान यहाँ पर टेलीपोर्ट कर देते। तक नवंबर हो चुका, अपने पास एक ही महीना है, तो जल्दी करने दे उनको, जल्दी करने देते उनको। ये क्या चीज़ है, अच्छा इनपुट रूट है, ये इनपुट राउट है, तो बढ़िया है। अपने पे अभी कुछ आर्मी नहीं है, एक ही पोर्शन है जो हम कैप्चर करके रखे। बेरिस का सीजन देखते क्या है, बेरिस का सीन 50 बेरिस है, अच्छी बात है।
मीट फूड, 11 मीट फूड है, कोई ना, हम लोगों को कुछ कुछ भी करके और लोगों को अट्रैक्ट करना होगा कि और लोग आए यहाँ पे। स्टोरेज यूनिट को जल्दी जल्दी इनको लेके आने दे। और देखो इस सीजन के साथ साथ पीयर का कलर भी चेंज हो रहा है। कैरी लोग काम कर रहे हैं अपने मार्केट पे, करंट पे मार्केट काम कर रहा है, जहाँ पे लोग अपना सामान बेच सकते हैं और व्यापार से लोग होकर खरीदेंगे सामान। अभी मेरे पे फ्यूल है, 7 मंथ का फ्यूल है, 551 है, ठीक है, विंटर तक तो काफ़ी हो जाएगा। सामान सब ट्रांसफर हो गया क्या? कुछ चीज़ें अभी पड़ा हुआ है यहाँ पे, स्टोन लॉक्स सप्लाईज को हमको कंप्लीट करना पड़ेगा, ये करने देते। एक और चीज़ हमने कुछ मूव किया था बनाने के लिए, ये बन गया क्या? ओके ये बन गया है। ये बन चुका है यहाँ पे, देखते इसके बाद में। मार्केट प्लेस रेडी हो चुका है, एक ही सामान है मार्केट प्लेस का। आई थिंक यहाँ पे भी काम चल रहा है ठीक ठाक, मुझे इसका अभी तक पता नहीं क्या चल रहा है, ये कर देता हूँ, एक योगा देखा जाएगा। ओके आई अंडरस्टैंड दैट अपने पे स्टोरेज यूनिट नहीं है जहाँ पे हम चीज़ें स्टोर कर पाए, दैट्स द थिंग। तो वी फर्स्ट नीड अ स्टोरेज यूनिट जो चीज़ें को स्टोर करेगा। तो हम तब से वो चीज़ को ही मिस आउट कर रहे हैं कि स्टोरेज यूनिट हमने बनाया ही नहीं। हम बहुत देर से ढूंढ रहे थे क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, मेन प्रॉब्लम इस और अपने पास स्टोरेज यूनिट नहीं है। वी डोंट हैव स्टोरेज यूनिट, दैट्स वाई ये काम इतना प्रॉब्लमेटिक कर रहा था। इसको हाई स्पीड डाल देते हैं, साथ ही साथ देखते कब कब तक इसका काम चालू होता है। अपने पास स्टोरेज यूनिट नहीं है इसलिए चीज़ें ऐसे वो मेंटेन भी कर रहा था। ये इसलिए इतना देर से प्रॉब्लम आ रहा कि बिना स्टोरेज यूनिट का सीन इतना मुश्किल हो रहा था, और बिना स्टोरेज यूनिट का चीज़ है इसलिए हम लोग प्रॉपरली मेंटेन नहीं कर पा रहे थे। इसलिए तब से हम ट्राई कर रहे थे क्या कुछ इशू हो रहा है, क्या इशू हो रहा है। वी डोंट हैव एनी काइंड ऑफ स्टोरेज यूनिट जहाँ पे चीज़ों को स्टोर करें। ग्रैंडी तो सिर्फ खाना स्टोर करता है ना। तीन काम के लिए जगत बंदा खाली है, उसको मैक्स पैरिटी पे डाल दिया हमने, ये ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। और इसी के साथ स्नोफॉल चालू हो चुका है जो कि काफी अच्छा दिख रहा है स्नोफॉल के साथ साथ। एंड अपना तब तक काम बन जाए, ये वाला घर बन जाए तो बढ़िया होगा। इसको हाई रिस्क पैरिटी पे डाल के रखा है हमने, और फर्स्ट स्नोफॉल है, फर्स्ट आई थिंक विंटर है अपना, तो सीन थोड़ा बहुत मुश्किल हो सकता है हम लोगों के लिए। विंटर में बैरिस तो मिलेगा नहीं, बैरिस सिंकिंग हो रहा है, कोई ना चलने देते हैं। दिसंबर आ चुका है, 3 महीने तक ऐसे रहेगा सीन। दिस इज़ आवर फर्स्ट स्नोफॉल सीजन, तो ठीक है स्नोफॉल सीजन को हम आगे एक्सटेंड करेंगे। ये छोटा सा वीडियो था, छोटा मतलब ट्राई कर रहा हूँ 40 मिनट्स का वीडियो बन जाए। वो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया यहाँ तक देख लिया और लाइक करो एंड आगे और बताओ मैं और किस किस टॉपिक की वीडियो बनाऊं। इसका अगला पार्ट जरूर आएगा, तो यहाँ तक देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बाय बाय एंड कल मिलते हैं। बाय, कल मतलब लाइव स्ट्रीम में मिलते हैं, नहीं तो
वीडियो में मिलेंगे, बाय बाय।